भाई सुपर है, मेरा नाम आकाश शुक्ला। जैसे आप लोग जानते हैं कि NTCUT UG 2023 का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और अभी जो है ये देखने के लिए मिला है कि जिन बच्चों का एग्जाम 25 से लेकर 28 मई 2023 के बीच में शेड्यूल था, कुछ बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ या रीशेड्यूल हुआ है, क्योंकि उनके पास अभी लास्ट नाइट एक मेल आया NT की तरफ से। तो ऐसा बहुत बड़ा रीजन एक निकल कर आ रहा है, क्योंकि बच्चों से कुछ बात भी हुई है। जो हमारे बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम जिपमेट का भी है, 28 मई 2023 का उनका एग्जाम है, उन बच्चों का पोस्टपोन्ड हुआ है। प्लस कुछ ऐसे बच्चे जो कि JNK रीजन से हैं और उनका एग्जाम NTA अभी कंडक्ट नहीं करा पा रहा है ड्यू टू द यू नो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो इस वजह से उन बच्चों का भी एग्जाम पोस्टपोन्ड किया गया है, लेकिन सभी बच्चों का नहीं किया गया। अगेन मैं बता रहा हूं, भले ही आपके पास एडमिट कार्ड हो, आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ हो, लेकिन अभी फिर से जाओ पोर्टल पर, लॉग इन करो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। अगर एडमिट कार्ड वहां पर शो हो रहा है, डाउनलोड हो पा रहा है, रिपोर्टिंग टाइमिंग वगैरह सब कुछ मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम देने जाओ। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा, ना सिटी इंटीमेशन स्लिप शो हो रही है, तो उसका मतलब आपका एग्जाम जो है 25 लेकर 28 के बीच में नहीं है। और ऑब्वियसली आपके पास रीशेड्यूलिंग की मेल भी आ गई होगी कल रात NTA की तरफ से। सो ये एक सबसे बड़ा रीजन अभी तक निकल के आ रहा है कि ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर एंड ड्यू टू द जिपमेट एग्जाम ऑन 28 मई 2023। गाइस थैंक यू वेरी मच।